टाइट हो गया। अब टायर लगा देते हैं। आया मजा? ये यस यस। तो दोस्तों गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। सब लगा दिया, ये भी टाइट कर 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 दिया, कंप्लीटली फिट कर दिया। ये भी टाइट हो चुके, इधर से भी सब टाइट कर दिया। अब बचा है यहाँ पे, है ना। तो ये भी टाइट कर दिए, ये वाले ये भी टाइट कर दिए। ओके, इनको टाइट करना बाकी है तो इनको और कर देते हैं। ये टाइट होंगे इससे, इनको ये टाइट हो गया। अब ये वाला टाइट हो गया, लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं। अब हम इसकी रबड़ लगाते हैं और इसके ऊपर का कवर लगाते हैं। ये लग चुका, ये ज़्यादा टाइट नहीं करे जाते वरना ये चटक जाएगा, फाइबर का है। रबड़ लगा देंगे, लग चुकी। अब ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, लाइट भी आ चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा कर दिया आपने। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। तो आपने मॉडिफिकेशन देख लिया, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने चेंज क्या क्या किया है। हमने चेंज किया है इसको, ये अपाचे का है, ठीक है ना। अपाचे की जगह पे हमने लगाए हैं करिश्मा के, ठीक है ना। तो जो हमने लगाए हैं वो भी ओरिजिनल हैं,
ठीक है ना, वो भी कोई नकली नहीं है। मॉडिफाइड से मतलब ये नहीं है कि नकली लगा दिए हमने, करिश्मा के लगाए हैं पंप, इनको ऑयल पंप बोलते हैं सस्पेंशन की। तो ये आप ख़रीद लें अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो। ये शायद 180 रुपीज़ के आसपास एक आता है, 180 या 200 के आसपास, ठीक है ना। तो एक तो ये, बाकी हमको कुछ नहीं ख़रीदना, ये ख़रीदना है और एक मतलब ये दो ख़रीदने हैं और दो स्प्रिंग ख़रीदनी है हमको। ये देखिए आप, ये हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है ना, ये इसका पार्ट नंबर है स्प्रिंग का, ये ख़रीदनी है। ये ZMR की स्प्रिंग है, आपको ZMR की स्प्रिंग ख़रीदनी है सस्पेंशन की, वही लगेंगी इसमें। एक एक स्प्रिंग की कीमत 187 रुपीज़ है, देखिए, ठीक है ना। तो दो के हिसाब से आप इसको डबल कर लेंगे तो ये मतलब 400 रुपये के अंदर अंदर ये दोनों स्प्रिंग आ जाएंगी, और 400 रुपये के अंदर ही ये आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़रीदनी है, बाकी हमको ये भी नहीं ख़रीदना, ये भी हमारे अपाचे के लग जाएंगे ये ऐसे। और ये जो सफ़ेद कलर का जो आपको रबड़ की इसकी ये प्लास्टिक की जो ये दिख रही है, ये भी नहीं ख़रीदनी, ये भी अपाचे की लग जाएगी। तो अपाचे के पंप से निकाल के आपको ये करिश्मा के पंप में लगा देनी है, और ये पंप ये लगा देनी है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में ये छोटी वाली जो स्प्रिंग आती है यहाँ पे, एक देखो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, कुछ ऐसी स्प्रिंग रहती है ये वाली, तो ये भी नहीं ख़रीदनी आपको, ये भी उसी की लग जाएगी, किसकी, अपाचे की, ठीक है ना। तो कुछ नहीं ख़रीदना, सिर्फ ये दो, ये दो ख़रीदने और दो स्प्रिंग ख़रीदनी है, ठीक है ना। और कन्फ्यूजन किस 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 चीज़ में होता है, जैसे आपने ये सस्पेंशन तो खोल लिए, अब आप भूल जाएंगे कि ये स्प्रिंग जो है, ठीक है, ये निकल गई, अब आपको ये नहीं मालूम कि इसको, एक मिनट, हाँ, ये जो है ये हिस्सा नीचे आएगा या ये हिस्सा नीचे आएगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गौर से देखिए, यहाँ पर इसकी जो वाइंडिंग है ये पास पास है, ठीक है ना, ये पास पास है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये दूर दूर होती जाएगी, ये देखिए ये दूर दूर होती गई, यहाँ पे स्प्रिंग का जो गैप है ये दूर हो गया, और यहाँ पे ये पास है। तो जो पास का किनारा है, मतलब स्प्रिंग का जो पास पास वाला जो वाइंडिंग है, ये नीचे जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक है, सस्पेंशन, तो ये जो ढक्कन है इसको खोलेंगे आप, ये खुल गया है ना। तो अब इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर से स्प्रिंग निकली, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा होगा ये खुली हुई वाइंडिंग का होगा, और जो कम मतलब कम दूरी पे जो वाइंडिंग है, जैसे जैसे इसको हम ऊपर करेंगे ना, ये देखिए मैं दिखाऊंगा आपको, एक हाथ से काम करना पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे वाइंडिंग पास पास आने लगी, यहाँ से दूर दूर है, ठीक है ना। तो ये जो पास पास वाली है वाइंडिंग, ये नीचे जाएगी ऐसे, ठीक है, अंदर। उसके बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे आप, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको ये ढक्कन बंद कर देंगे इसका, ये हो गया आपके सस्पेंशन तैयार, ठीक है। और ये जो सस्पेंशन है आप जब बना देंगे, तो जब आप स्प्रिंग नहीं लगाएंगे इसमें, तो आपके सस्पेंशन ऐसे में आप जाने चाहिए नीचे, ये देखिए ऐसे खुद ही जाने चाहिए, फ्री होने चाहिए एकदम, इसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। तो ये आप चेक कर लेंगे, स्मूथनेस आपकी गाड़ी की सस्पेंशन में बढ़ ही जाएगी, ठीक। दूसरी चीज़, पंप का बता दिया मैंने, स्प्रिंग का बता दिया, ठीक है ना। बजाज में
देखिए ये भी बजाज DTSI का है, ये आपको हरगिज नहीं ख़रीदना है ये वाला, ठीक है ना। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं ख़रीदना आपने, ये आपको डालना भी नहीं है, क्योंकि जब आप ख़रीदने जाएंगे कि बजाज का सस्पेंशन ऑयल दे दो, तो हो सकता है दुकानदार आपको ये वाला दे दे, तो ये वाला बिल्कुल नहीं लेना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही, ठीक है ना, तो उसको दिखा दीजिएगा। ये वाला जो है ये आपको ख़रीदना है, ये बेस्ट है सस्पेंशन ऑयल, ठीक। तो ये डालना है आपको, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको अपनी गाड़ी के जो बॉटम होगी, बॉटम में जैसे देखिए ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है KRY, है ना, ऐसे ही आप अपाचे के उसमें भी देखेंगे बॉटल पे, तो यहाँ पे TOP या GIL लिखा होगा। तो अगर आपको यहाँ पे TOP लिखा हुआ मिलता है, तो आपने उसमें 150 ml डालना है, ठीक है, और अगर GIL लिखा हुआ है तो 140 ml डालना है, और ऑयल के अंदर बिल्कुल नाप के डालना है आपने, एक भी मतलब 1 या 2 ml भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया, सब बता दिया मैंने, ठीक है ना। बाकी आपने जो प्रोसेस है वो देख ही लिया है, तो जितने लोग करना चाहें इस मॉडिफिकेशन को कीजिए, और जो नहीं करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं भाई, मत कीजिए, अगर आप ऐसे ही खुश हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेरे पास तो ये सब सामान देखिए पहले से रखा हुआ है, ये जो मैंने स्प्रिंग खरीद, मैंने अभी नहीं खरीदी है ये, इसकी पैकिंग पे आप ध्यान से देखेंगे 2016, ठीक है ना, ये मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, 4-5 साल पहले, तो मेरे पास रखे हुए थे ये, ठीक है ना, ये पंप भी रखे हुए थे मेरे पास, सस्पेंशन, ये जो रॉड है ये अपाचे की है, ये हैंडल टी ये भी अपाचे की है, वो करिश्मा का है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास, तो क्या मैं काम करता रहता हूँ तो मेरे पास पड़ा हुआ है ये सामान, इसलिए मैंने ये मॉडिफिकेशन कर दिया है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप बिल्कुल ना करें, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पैसे फालतू उड़ाइए, ठीक है ना। हाँ, मैं ये कर सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे पहले से पड़ा हुआ सामान, तो इसलिए मैंने करके दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंजन भी बनाया था अपनी गाड़ी का, तो उसका वो भी बहुत शानदार बना है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है चलाने में, सस्पेंशन भी कर लिए मैंने, ठीक है। अब पीछे वाले जो सस्पेंशन है किसी दिन उसका कुछ करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे उनको भी, तो उसके भी वीडियो आते रहेंगे अलग अलग, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बहुत यूज़फुल और बहुत काम के वीडियोज़ हैं मेरे, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता यार, मैंने देखा यूट्यूब पे बस 10 मिनट के अंदर काम ख़त्म कर देते हैं, हालांकि मैं भी वीडियो 10 मिनट के ही डालता हूँ, पर मेरे डिटेल में होते हैं, 10 या 11 मिनट के वीडियो होते हैं, पर डिटेल में होते हैं, समझ सकते हैं आप उनको देख के, खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टूल्स हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइबर्स की तो बहुत ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ यार, नए नए लोगों को हमारे मेरे चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना।